आज सबसे पहले क्या चीज़ है? तारत्व का हम तुम लोगों को अभी लिखाए भी कि तारत्व क्या है। तारत्व किस पे निर्भर करता है? तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो तारत्व किसके तारत्व के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? ध्वनि का। किसी भी ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति मतलब आवृत्ति, पहले तुम लोग को आवृत्ति बढ़िया से समझना है। नहीं, आवृत्ति में देखो क्या करना है। आवृत्ति का परिभाषा किसी बच्चों को याद है जो कल लिखाए थे? बोलो। कंपन गति वस्तु द्वारा प्रति सेकंड कुल कंपनों की संख्या का ध्यान देना, देख के बोले बोले। अरे याद है बोले ना, यहाँ पे बोले आवृत्ति क्या है तो प्रति सेकंड, यानी कंपन करने वाली जो वस्तु होती है, कंपन कोई वस्तु है ठीक, कंपन या कंपित वस्तु, कंपित माने कंपन करने वाली वस्तु हो गया। तो कंपित वस्तु अगर प्रति सेकंड पूर्ण दोलनों की संख्या, पूर्ण दोलनों की संख्या मतलब कह रहा है कि एक सेकेंड में कोई वस्तु जितना बार दोलन करता है वो उसका क्या कहलाता है? आवृत्ति। मान के चलो कि ये कोई कण है ठीक, ये ऊपर नीचे गति करेगा या आगे पीछे गति करेगा, तो यही कहलाता है क्या? कंपन। क्या कहलाएगा? कंपन। तो अगर हम बोलेंगे कि ये कण, अगर बोलेंगे कि एक सेकेंड में 10 बार कंपन करता है, एक सेकेंड में 10 बार, 10 बार मतलब ऊपर नीचे 10 बार हो रहा है या आगे पीछे 10 बार हो रहा है, तो इसका आवृत्ति कितना हो जाएगा? इसका आवृत्ति हो जाएगा 10 हर्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ज। हर्ज बोलेंगे, आवृत्ति का मात्रक है हर्ज। और आवृत्ति को हम लोग किससे सूचित करते हैं? एफ से। तुम लोग के क्लास में एफ है और आगे चल करके न्यू हो जाएगा ये। इसका हम लोग संकेत क्या लिखते हैं? न्यू। ये भी जैसा है, भी जैसा है ना, भी जैसा है, थोड़ा सा मोड़ दोगे तो क्या कहलाएगा? न्यू। और एफ का इंग्लिश तुम लोग को कल बताए थे, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी है ना। और फ्रीक्वेंसी का तुम लोग कभी मैथ में भी पढ़े हो, बारंबारता कहलाता है, पढ़े थे ना। तो ये बारंबारता ही, फ्रीक्वेंसी ही तुम्हारा आवृत्ति कहलाएगा। और आवृत्ति तुम लोग समझ गए कैसे होता है? जितना बार कंपन करेगा, एक सेकेंड में जितना बार कंपन करेगा वो उसकी आवृत्ति कहलाएगी। तो आवृत्ति समझ रहे हो तो तारा तो समझ में आएगा। अब तुम लोग को तो हम आवृत्ति डिफिनेशन से समझाएं, अच्छी तरह से समझोगे कि आवृत्ति क्या है। जैसे मान लो कि ये कोई तरंग है ये, ठीक है। और ये तरंग मान लेते हैं हम कि इस जगह आने में 1 सेकंड लगाया, कितना? 1 सेकंड। बहुत आसान है, अगर समझ जाओगे तो हमेशा दिमाग में बैठ जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। और इस जगह देखो ठीक है, और देखो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग इसमें भी लेंगे कि नहीं? Yes. तो यहाँ से यहाँ तक में टोटल ले लेंगे, इस जगह ले लेंगे 1 सेकंड। तो ध्यान से देखो कि ये कंपन कर रहा है, ये तरंग जो है ना ऊपर नीचे कंपन कर रहा है, और ये भी ऊपर नीचे कंपन कर रहा है। बताए थे ना ये माध्य स्थिति है, तुम लोगों को कल भी बताए थे कि ये बीच वाला जो स्थिति है वो क्या है? माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन कर रहा है, ऊपर नीचे कंपन कर रहा है, इसमें भी ऊपर नीचे कंपन कर रहा है। तो यहाँ देखो कि 1 सेकंड में कौ बार कंपन किया? 2 बार नहीं, देखो इसको ये दोनों को मिला के 1 बार बोलेंगे, 2 बार, या हाँ आधा है या आधा है, तो एक कंपन हो गया ढाई बार कहाँ से, ये दोनों मिला के 1 बार, आई दोनों मिला के 1 बार, तो 1 सेकंड में कौ बार हुआ? 2 बार। अगर हम इस कंपन की आवृत्ति बोलेंगे तो इसका 2 हर्ट्ज होगा। बोलो, सीख लो चित्र से, ऐसे तुम कितनों समझ लोगे, रट लोगे, भूल जाओगे। चित्र से बहुत आसान है, और इसी से तुमको इंटर क्लास तक समझना है ठीक ना। तो यहाँ अब 1 सेकंड में इसका गिनो, एक बारी ये हो गया, 2, 3, 4, 5 बार, तो इसका आवृत्ति कितना हो गया? 5 हर्ट्ज। तो किसकी आवृत्ति अधिक है? सेकंड वाला का, ये फर्स्ट तरंग है। तो हम देख रहे हैं इसकी आवृत्ति कम है, इसकी आवृत्ति अधिक है। तो यहाँ अभी अभी तुम लोगों को हम समझा रहे थे कि आवृत्ति जो है, आवृत्ति नहीं, समझाए थे कि तारत्व किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पर। तो अभी हम बात कर रहे थे समानुपाती चिन्ह का क्या मतलब है। इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलेंगे? समानुपाती का मतलब होता है दोनों साथ में बढ़ेगा। साथ में बढ़ने का क्या मतलब? कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि किसकी आवृत्ति अधिक है?
सेकेंड तरंग का, तो इसका आवृत्ति अगर अधिक है तो उसका क्या अधिक होगा? तारत्व। जैसे कि तुम देखे होगे कि अगर हम लोग कहीं पर देखना कि कोई बच्चा चिल्लाता है, या घर में मम्मी एक बार चिल्लाती है, पापा बोलते हैं और मम्मी बोलती है ना, तो पापा का आवाज़ मोटा है या पतला है? मोटा। मम्मी का आवाज़ पतला। तो हम लोग पापा का आवाज़ जो मोटा बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? उनकी उनका जो आवाज़ है, उनके आवाज़ का तारत्व क्या है? कम है। क्या है? कम है। और पतला आवाज़ जिसको बोलते हो तुम, तो पतला आवाज़ का तारत्व क्या होता है? आवृत्ति भी क्या होगा? ज़्यादा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मोटा या भारी आवाज़, मोटा या भारी आवाज़, मोटा या भारी आवाज़ का याद रखना है कि तारत्व कम होता है। ठीक। जिसको हम लोग हल्का बोलते हैं, हल्का या पतला या तीक्ष्ण, किताब की भाषा में तीक्ष्ण, इसका तारत्व क्या होगा? अधिक होता है। आ रहा समझ में कि नहीं? तीखा नहीं बोलते हो कि आवाज़ इसका तीखा है, तो आवाज़ जो तीखा बोलते हो इसका मतलब क्या है? उसकी आवृत्ति और तारत्व दोनों का दोनों क्या है? अधिक है। आया समझ में? अगला क्वेश्चन क्या है इसका? ये दोनों बता दिए, भारी ध्वनि हल्की ध्वनि हो गया ना, यहाँ दोनों साथे में हो गया। अब अगला देखो, ये जो चित्र से समझाया ना तुम लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्र से समझ जाओगे तो आयाम भी तुम लोग को चित्र से ही समझाए थे, पीछे वाला में आयाम उसी से समझ में ज्यादा आता है। देखो अब श्रव्य अश्रव्य और पराश्रव्य का डायग्राम बना देते हैं, एक ही बार तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ध्वनि, अभी अभी तुम लोग को बताए थे कि ध्वनि किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, है ना? ध्वनि आवृत्ति पर भी निर्भर करता है, अलग अलग उसका क्वालिटी होता है। और आवृत्ति को हम लोग किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। तो ध्वनि का प्रकार समझो, ध्वनि तीन प्रकार का है यहाँ पर। एक है श्रव्य, एक है अवश्रव्य, और एक लास्ट है पराश्रव्य, है ना? तो समझना इसको बढ़िया से। श्रव्य का देखो, वह ध्वनि, सब में एक लाइन जोड़ देना है, वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति, क्योंकि हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं? आवृत्ति की बात कर रहे हैं ना। वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम, क्या बोलेंगे आंसर? आंसर याद हो जाएगा यहीं पे, बोलो। वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम नहीं, यहाँ श्रव्य है ना, तो दोनों के बीच वाला तुम लोग को लिखवाया है ना, 20 हर्ट्ज से कम नहीं, यहाँ लिखेंगे 20 हर्ट्ज से, 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच लिखवाए हैं तुम लोग को, तो 20 हर्ट्ज से यानी 20 हर्ट्ज से ज़्यादा और 20,000 हर्ट्ज से कम, तो ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से ज़्यादा और 20,000 हर्ट्ज से कम, यानी दोनों के बीच तक लिख देंगे तो बीच हो जाएगा, तो यहाँ 20 हर्ट्ज से 20,000 तक हर्ट्ज तक होता है वो ध्वनि क्या कहलाएगा? श्रव्य। अब श्रव्य की कैटेगरी में क्या आएगा? 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से क्या लिखोगे? बोलो, वह ध्वनि कम हो, 20 हर्ट्ज से कम हो, वो कहलाएगा अवश्रव्य। यहाँ देखो श्रव्य का मतलब समझ लो, श्रव्य मतलब होता है सुनने योग्य, सुनने योग्य, यानी जिसको हम सुन सकते हैं, या लिख सकते हैं कि जिसे सुन सकते हैं, तो जिसे सुन सकते हैं वो हो गया श्रव्य ध्वनि। अब यहाँ अव का मतलब हो गया नहीं, ठीक है? अव मतलब नहीं, मतलब अव का नहीं से अच्छा आंसर होगा कम, अव का मतलब हो गया कम। अब परा मतलब मान लो अधिक, ठीक है? तो जब हम कम की बात करेंगे तो किसका बात होगा? अव का। अधिक की बात करेंगे तो परा का। तो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि अव माने कम होगा, तो किससे कम? अब उसमें किससे अधिक होगा? बोलो, 20,000 से अधिक होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20,000 Hz से अधिक, अधिक की बात करना है, कम नहीं। कारण है, देखो बता रहे हैं, 20,000 Hz से कम होगा तो किस में आ जाएगा? श्रव्य में आ जाएगा, देख लो, है ना? अब श्रव्य में 20 Hz से अधिक बोलेंगे तो फिर भी वो 20 Hz से अधिक होगा, तो श्रव्य के कैटेगरी में आएगा। इस कैटेगरी को छोड़ के ना आंसर लिखना है, अलग कैटेगरी है, तो अलग कैटेगरी के लिए तुमको लिखना होगा या तो उससे कम या तो उससे ज़्यादा, और दोनों के बीच में आ जाएगा तो
श्रव्य होगा। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे एक डायग्राम और एक ठो बना देते हैं ट्रिक वाला, जो तुम लोग को और अच्छा से याद हो जाएगा। देखो 20HZ और यहाँ लिख देते हैं 20000HZ, तो इससे कम, देखो इससे तुमको और याद रहोगा, 20HZ से पीछे जो आएगा ठीक ना, उसका नाम होगा अब श्रव्य। 20HZ से पीछे यानी अब श्रव्य से अधिक कौन है? 20HZ है। अब 20HZ से अधिक, 20HZ से अधिक अगर गया तो उसका नाम होगा श्रव्य। तो 20HZ से तुम ऐसे लिखोगे, यहाँ हो जाएगा ये श्रव्य ठीक, और फिर श्रव्य का जो मान होगा वो 20000HZ से कम होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 20000HZ। तो ये श्रव्य किसके किसके बीच में आ गया? 20HZ से 20000HZ के बीच में आया। अब 20HZ से कम है तो अवश्रव्य, अब 20000HZ से अधिक है तो पराश्रव्य। देखो है ना, एक ही डायग्राम में सब समझ में आ जाएगा। तो ये तुमको याद रखने का तरीका है, मतलब दिमाग में सेट कर लेना है कि 20HZ से जो पीछे आया वो अवश्रव्य, 20000 अब 20HZ के बीच में जो आया श्रव्य, अब 20000 से जो ज़्यादा आया पराश्रव्य। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखो, शोर और संगीत। शोर क्या है? शोर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ऐसी ध्वनि जो हमको अच्छा नहीं लगता है ना, मान लो कि कहीं पे डीजे बज रहा है, तो डीजे बज रहा है तो देखने की बहुत लोगों को ख़राब लगता है ना, और कहीं कहीं पे देखना है कि बहुत ही एकदम हल्का आवाज़ में गाना बज रहा है। दोनों में डिफरेंस यही होता है कि डीजे हम लोग थोड़ा देर सुन सकते हैं, क्या दिन भर सुन सकते हो? थोड़ा देर तुमको भी अच्छा लगेगा, लगेगा कि नहीं चलो मज़ा आ रहा है, लेकिन कुछ देर बाद कहोगे, तुम ही बोलोगे कि एकदम फालतू है, बंद करो इसको। तो उसका रीज़न क्या है? वो क्या है? शोर है। और अगर हल्का ध्वनि बज रहा है तो दिन भर भी बज रहा है, कम आवाज़ में बज रहा है, मतलब अच्छा से, तो वो कहलाता है संगीत। तो शोर याद रखना है कि शोर जो है ना हम लोग के कान को अप्रिय लगेगा, और संगीत जो है हम लोगों के कान को प्रिय लगेगा। प्रिय मतलब हमें सुनने में अच्छा लगेगा, कान से मतलब नहीं है ठीक ना। अब बहरा आदमी को क्या सुनने में आएगा? बहरा आदमी को शोर संगीत सब बराबर है ना। मान लो अब कान से मतलब नहीं है, सुनाई देना चाहिए, अब कान रहते हुए सुनाई नहीं दे रहा है तो ना शोर बराबर है ना संगीत सब एक के है ना। कितना हल्ला कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बजा डीजे है ना, डीजे जितना बजा सकते हो, उसका रीज़न है कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये हो गया। अब कह रहे हैं ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण तुम लोग भी जानते हो, अभी तुरंत पढ़ाए उसी के बारे में, कि अगर हम लोगों को ध्वनि से कोई प्रॉब्लम हो, मतलब ध्वनि इतना अधिक आवाज़ में बज रहा हो जिससे कि हम लोगों को परेशानी हो, तो परेशानी क्यों होता है? क्योंकि उससे क्या होता है, हम लोग का सर दर्द करने लगता है। नहीं, अगर तुम बोल रहे हो तो ऊंचा आवाज़ में कोई सुन नहीं रहा है, कितना जोर से बोलता है सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये इससे क्या होगा, कौन सा प्रदूषण होता है? तो ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है याद रखना है, कि अप्रिय ध्वनि से, अप्रिय ध्वनि या अवांछनीय। देखो आंसर में तुम लोगों को क्या लिखवाए हैं, बोलो एक बार जोर से, बोलो बढ़िया से। अबे अवांछनीय नहीं बोलना है, ध्वनि प्रदूषण का आंसर पूछ रहे हैं तो अवांछनीय बोल रहे हैं। हाँ, तो अवांछनीय ध्वनि और कोलाहल, कोलाहल हम लोग बोलते हैं, हल्ला गुल्ला जिसको बोलते हो, शोर माने शोर तो हम लोग बोल ही रहे हैं। शोर से सिंपल आंसर है कि शोर से जो ध्वनि प्रदूषण होगा, या ध्वनि शोर से जो प्रदूषण होगा उसी को हम लोग कहेंगे ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है।